आज मैं इनको सबक सिखा के ही रहूंगा। बंटी, तुम मुझे परेशान करते हो, ये लो। अरे ये क्या कर रहे हो, झगड़ो नहीं। अरे चिंटू, तुम तो झगड़ा सुलझाने के बजाय बढ़ा रहे हो। नहीं नहीं, मैं उन लोगों को टिम्बकटू के पास पहुंचा के ये बता रहा हूँ कि असली फसाद की जड़ टिम्बकटू है। ठीक है बच्चू, तुझे बाद में देख लूंगा। वीर, वीर, इस लेक पे पिराना मछलियाँ आ गई है, वो देखो उस तरफ। मैं इस पिराना को अभी भगाता हूँ। मैं कहाँ हूँ? अरे जिंटू, जिंटू। देखा, मुझे देखकर सब भाग रहे हैं। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। पिराना का इस लेक के पास होना खतरनाक हो सकता है। हाँ इमली, कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। वाह, पिराना और यहाँ, ये बात तो बॉस को बतानी पड़ेगी। बॉस, बॉस, बचाओ बॉस! बॉस, बॉस, पिराना, पिराना, पिराना यहाँ आ गई है बॉस। क्या? पिराना और इस लेक में? ये नहीं हो सकता। है बॉस, पिराना है, उसी ने तो मेरा ये हाल किया है। ये तो सचमुच पिराना है। इन पिराना को यहाँ लेक पर तबाही मचाने दो। वीर जरूर लोगों को बचाने जाएगा, पर मैं उन असली पिराना में मेरी रोबोटिक पिराना को शामिल कर दूंगा। और जब वीर वहाँ लोगों को असली पिराना से आजाद करने जाएगा, तब तब बॉस की रोबोटिक पिराना वीर को ही आजाद कर देगी। यस, ये रही मेरी रोबोटिक पिराना। अब देखना मेरी रोबोटिक पिराना क्या कमाल करती है। हाँ, मैंने सुना है अपनी लेक में पिरानाज आ गई हैं। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरे ये तो हमारा लेक और समुंदर है दादाजी। ये जगह जो देख रहे हो, यहाँ ये पिराना बस्ती है। अच्छा, तो वो पिराना यहाँ क्यों आ गई? लगता है कि वो जहाँ रहती है वहाँ कोई मुसीबत आ गई होगी, तभी पिराना यहाँ आई है। अगर हम पिराना को उसकी जगह वापस ले जाए और उनकी जो मुसीबत है वो दूर कर दे तो? वही करना होगा वीर। ये ड्रैगिंग लिक्विड है जिसे तुम समंदर में डाल के पिराना को जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो। इसका मतलब कि इस लिक्विड की खुशबू से पिराना इसे फॉलो करेगी। वाह, बस हो गया मेरा काम। बॉस, संभल के, यहाँ वो असली पिराना भी होगी। अरे बड़ी खतरनाक होती है वो। मालूम है बेवकूफ, बस इस रोबोटिक पिराना को अंदर भेजना है हमें। आप महान हो बॉस। Shut up, वो तो मैं हूँ ही। चलो यहाँ से, अब इस लेक पे होगी तबाही। हेलो, ध्यान से सुनो, सब लोग संभल के रहना, सावधान रहना। चलो।
इमली चुलबुल तुम लोग यहीं रहना, मैं उस बच्चे को लेकर आता हूँ। पिराना से वो पिराना अलग लग रही है। एक्सरे विजन ऑन। एक्सरे विजन ऑन। ओह, ये तो कोई रोबोटिक पिराना है, मतलब ये मैड मैक्स की ही चाल है। क्या हो गया है? उसके डेटा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मैं टॉकबैक से उससे बात करता हूँ। हेलो वीर, वीर तुम ठीक हो? दादाजी आई एम फाइन। यहाँ बाकी सब पिराना के बीच में एक रोबोटिक पिराना भी है। शायद वो मैड मैक्स की चाल होगी। यस, ये उसकी ही चाल है। मैं उन असली पिराना को उनकी जगह ले जा रहा हूँ। बाद में उस रोबोटिक पिराना से निपटता हूँ। Drilling suit on. Oh,
अरे नहीं नहीं, महाग्रेट हो, महाग्रेट। बॉस बॉस, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या है इन बोरियों में? कोई खजाना हाथ लगा है क्या? खजाना नहीं बॉस, इसमें कैलेंडर्स हैं, देखिए। ये क्रॉस का निशान इस कैलेंडर की तारीखों पे क्यों है? बॉस ये वो दिन है जब जब आप वीर को फिनिश करने में फेल हो गए थे। म्याऊ, मतलब इतने सालों से बॉस फेल होते आ रहे हैं? तो तू यहाँ मुझे मेरी नाकामयाबी दिखा रहा है? ये क्या कर दिया? मेरे नए एक्सपेरिमेंट के सारे केमिकल तूने बर्बाद कर दिए। मुझसे ये गलतियाँ क्यों होती है? टिम्बक्टु, ये क्या हो रहा है? ओह, ये तो ब्लॉब बन रहा है। मुझे इसे कंट्रोल में लाना होगा। टिम्बक्टु, मेरी वो मिसाइल शूटर कर लाओ। चले। अब इस ब्लॉब से हमें वीर पे अटैक करके उसे फिनिश करना है, यही ना बॉस? यस। अब आज की तारीख में मैं फेल नहीं होऊंगा। जाओ, इस ब्लॉब का अटैक वीर पे करके उसे आजाद कर दो। जाओ। इस बार इस ब्लॉब के अटैक से तुम नहीं बच सकते। तुम्हारा खेल खत्म। अरे मर गया, ये तो निशाना चूक गया, गड़बड़ हो गई। बॉस बॉस, गलती हो गई। मैंने देख लिया है, कोई बात नहीं, इमली को मैं कंट्रोल कर लूंगा। तुम प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। ये इमली को अचानक क्या हो गया है? इमली, इमली, क्या कर रही हो? एक्स रे विजन ऑन। ये तो किसी एलियन ने इमली पर कब्जा कर लिया है। मुझे दादाजी को बताना होगा। दादाजी, यहाँ गड़बड़ हो गई है। लगता है मैड मैक्स ने एक एलियन के सहारे इमली को अपने काबू में कर लिया है। वीर, तुम इमली का ख्याल रखो, और तुमने अपने एक्स रे विजन में जो उस एलियन की पिक्चर स्टोर की है उसे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर सेंड करो। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ठीक है दादाजी। ओह, ये अलग अलग केमिकल से बना हुआ ब्लॉब है। ये जरूर मैड मैक्स की ही हरकत है। अब वीर को मेरे पास आना ही होगा। बॉस, यू जीनियस। मियाओ। अब प्रेम, सहाय और वीर कुछ नहीं कर सकते। बस एक बार मैं इमली और उस चुलबुल को अपने काबू में कर लूं। जी, मैड मैक्स ने इमली के साथ चुलबुल को भी काबू में कर लिया है और एक वैन में बंद करके कहीं ले जा रहा है।
आप जल्दी कुछ कीजिए। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। काम तो ये चुलबुल और इमली ही कर देंगे। वीर अब अपने ही दोस्तों के हाथों फिनिश हो जाएगा। अरे अरे इमली, चुलबुल, मैं वीर हूँ, तुम लोगों का दोस्त। वीर, ये एक ब्लॉब है, मैंने तुम्हारी प्रोग्रामिंग चिप में सूर्य की पॉजिटिव एनर्जीज भेजी हैं। तुम उस पॉजिटिव एनर्जीज को ऑन करो और इमली और चुलबुल का हाथ थाम के वो एनर्जीज उनमें शामिल कर दो, जिससे वो ब्लॉब बाहर आ जाएगा और तुम उस ब्लॉब को कंट्रोल कर सकते हो। ओके दादाजी। मुझे क्या हो गया था? मेरा सर क्यों भारी है? और ये हम कहाँ हैं? इमली, मैं तुम्हें सब बाद में समझाता हूँ, अब चलो। यस बॉस, कुछ ही समय में मैं अपने अड्डे पर पहुँच जाऊँगा। देखो, मैंने जो कहा वैसे ही करना है। हाँ वीर, मैडमैक्स को यही लगेगा कि हम अब भी उसके कंट्रोल में हैं। हम बढ़िया नाटक करके उसका भरोसा जीत लेंगे। गुड, मैड मैक्स को जरा भी शक ना हो कि तुम लोगों को मैंने उस ब्लॉब से बाहर निकाला है और अब तुम दोनों उसके कंट्रोल में नहीं हो। बिल्कुल नहीं होगा। कोई चालाकी मत करना वरना। वेल डन टिम्बक्टू, इमली चुलबुल अब आप वीर को फिनिश कर दो। इट्स एन ऑर्डर। ये क्या, उस वीर को फिनिश करो। बॉस, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ये क्या हो रहा है, उस ब्लॉब का ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम्हारा वो केमिकल ब्लॉब इमली और चुलबुल में नहीं बल्कि मेरे पास है। ये क्या बॉस, इसने तो आपके ब्लॉब को ही कैद कर लिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दादाजी, आप यहाँ? हाँ, तुम में जो ट्रैकिंग डिवाइस है उसकी मदद से मुझे यहाँ का पता मिला। वीर, ये जो ब्लॉब है उसे पहले फ्रीज करना होगा, फिर उस पर फ्लेम की रेज छोड़कर उसके टुकड़े करके राख बनाना होगा, तभी उसकी तबाही से हम बच सकते हैं। ठीक है। अब वीर, तुम्हारा खेल खत्म। वीर, मैंने जो उपाय बताया था वैसा करो। वीर,
ये जो ब्लॉब है उसे पहले फ्रीज करना होगा। फिर उस पर रेलिंग छोड़कर उसे टुकड़े करके राह बनाना होगा। दादाजी, वीर तो जमीन में चला गया। बॉस, आपका काम हो गया। वीर इज फिनिश्ड। वीर, yes. तुमने तो कमाल कर दिया। फिनिश हो गया। बॉस, ये तो फिर से बच गया। कैलेंडर में आज फिर से क्रॉस करना पड़ेगा। वीर, एक बार फिर हम जीत गए। दादाजी, ये जीत इंसानियत की है। अचानक बिना बादल के ही आसमान में बिजली क्यों चमकने लगी? आखिर इसकी वजह क्या है? चलो दादाजी के पास चलकर पूछते हैं। ठीक है वीर। लगता है कि कोई बिजली के साथ कुछ ना कुछ खेल कर रहा है, वरना सूखे आसमान में बिजली कभी नहीं चमकती और ना ही ऐसे गिरती है। अब मेरे पास आसमानी बिजली का पावर आ गया है। आसमानी पावर, अब मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। बहुत शक्तिशाली। म्याओ, यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। टिम्बकटू, तैयार हो जाओ, अब वीर को खत्म करने का टाइम आ गया है। अरे रुक जाइए, वापस मुड़िए, वहाँ गाड़ियाँ आ रही है। आपको चोट तो नहीं लगी ना? आपको रोड क्रॉस करना है, आइए मैं करा देता हूँ। बेटा, मेरी मदद ही करना चाहते हो ना, तो मुझे घर तक पहुंचा दो। यहाँ पास ही में मेरा घर है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। अब तुम्हें देर हो रही होगी, तो तुम वापस लौट जाओ। लेकिन जाने से पहले मुझे फ्रिज से निकाल कर एक बोतल पानी दे के जाना। रोबो बॉय सूट ऑन। शाबाश टिम्बकटू, आज तुमने कोई गलती नहीं की। अब वीर हमारे कब्जे में है। अब ये नाचेगा मेरे इशारों पर। वीर, तुम्हारा बॉस कौन है? आप हो बॉस। फाइनली अब वीर मेरा हो गया, मेरा। वीर, जाओ और डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दो, ताकि वो कोई दूसरा वीर जैसा रोबोट ना बना सके। ओके बॉस। ये क्या कर रहा है? वीर तो ऐसा कभी नहीं था। ये वीर ही है ना, कोई दूसरा तो नहीं। वीर का हम शक्ल, ये हीरो नहीं, ये तो विलन है। ये वीर ही है। अब यहाँ से भागो, जल्दी दादाजी के पास चलो। दादाजी, दादाजी, वीर।
पिताजी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वीर ठीक नहीं है। उसे किसी तरह रोकना होगा, वरना वो कुछ ही पल में पूरा फुर्सतगंज तबाह कर देगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है दादाजी, जैसे उसका टारगेट आप हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके सिस्टम में किसी ने जरूर कुछ चेंज किया है। अब उसे कैसे रोका जाए ताकि मुझे उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। मैं उसे रोकूंगी दादाजी, मैं वीर से लड़ूंगी। रुको इमली, तुम इस तरह वीर को नहीं रोक सकती। उसके अंदर रोबोटिक पावर है। ये लो, ये जैकेट पहन लो, अब तुम में भी पावर्स आ जाएंगी। तुम बस उसे किसी तरह उलझा कर रखो, तब तक मैं कुछ हल निकालता हूँ। ओके दादाजी। वीर के चार्जिंग स्लॉट में एक रेड चिप लगी है, उसे निकालो। ओके। आखिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट वीर से कैसे टूट गया? दादाजी, क्या हुआ? हम यहाँ क्यों हैं? सब टूटा फूटा क्यों है यहाँ? वेलकम बैक वीर। इमली, तुमने बड़ी बहादुरी से एक बहुत बड़ा काम किया है। आखिर हुआ क्या है ये तो बताइए। वीर वीर, तुमने डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दिया ना? हाँ, कर दिया। वेरी गुड। मुझे टिम्बक्टू की तरह उल्लू समझते हो क्या? मैं उसी वक्त समझ गया था जब मेरा तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट कट गया था कि तुम्हारे अंदर से चिप निकल चुकी है। तो अब इस भाषा में समझ लो। ये लो, ये लो। समझने की बारी अब तुम्हारी है वीर, वो भी आखिरी बार। Oh!
खत्म हो जाएगा वीर। बॉस अपना कुछ नहीं होने वाला बॉस, भलाई इसी में है कि भाग लो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे भी ले चलो बॉस।